मध्य प्रदेश में कल से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सर्वदलीय बैठक के जरिए समन्वय बनाने का ऐलान किया है। अपने इंदौर प्रवास के दौरान उन्होंने कहा कि सदन में शोर करने के बजाय संवाद के जरिए चर्चा कर जनता के मुद्दे उठाना चाहिए। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम सोमवार को इंदौर पहुंचे, जहां पर उन्होंने 13 सितंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सदन को ठप्प करने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने के बजाय चर्चा करनी चाहिए। इसके साथ ही उनका कहना है कि सदन को चलाने में विपक्ष की अहम भूमिका होती है। नहीं, मनसा तो यह है कि विधानसभा को जो अधिसूचित करते हैं उसका चलना चाहिए और पूरा चलना चाहिए, पर उसमें केवल विधानसभा अध्यक्ष थोड़ी चाहे हम बैठे भी रहेंगे कुर्सी में तो उसे फ़र्क क्या पड़ता है। वहाँ अंदर बैठने वाले माननीय सदस्य, माननीय विधायक, वो जब तय कर लेंगे कि चलाना तो चलेगा, तो उसके दूसरे तरीके हैं। और होता ये है कि कई बार विधायक ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। ब्रह्मास्त्र मतलब हुआ कि गर्भ में आना, विधानसभा को ठप्प कर देना, ये सब ब्रह्मास्त्र हैं। तो उसके पहले भी कई अस्त्र हैं ना, उनका प्रयोग करो ना। तीखे सवाल करके तीखे जवाब लेने का प्रयास करो, तमाम घेराबंदी करो, वो करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि प्रतिपक्ष की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है विधानसभा चलाने की, और सरकार को जवाबदेह बनाने की जिम्मेदारी भी प्रतिपक्ष की होती है। नए वस्त्रगण आए हैं, तमाम वो ध्यानाकर्षण आए हैं, 200 सुपर ध्यानाकर्षण है, स्थगन है, अल्पकाल की सूचनाएँ हैं, बहुत सारे विषय हैं। इसके साथ ही विपक्ष की तरफ से विधानसभा सत्र की अवधि को बढ़ाने की मांग पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हल्ला करने के लिए समय बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं। नहीं, अवधि अवधि का मतलब क्या होता है? तारीख से हम कहते 10 से 25 तक कर दें और हम 11 बजे आमें, 11:15 बजे से हल्ला शुरू करें, 11:30 बजे हम बंद कर दें, दूसरे दिन फिर बुला लें, फिर आमें, फिर हल्ला करें, फिर बंद, फिर आमें, फिर हल्ला करें, फिर बंद, इसके लिए तारीख की ज़रूरत है क्या? तारीखों की ज़रूरत पड़ती है कि हमारे सवालात को जगह नहीं मिल रही, तो पहले तो एक बार जो लगाए उसको पूरा तो करो, वो पूरा हो फिर कहो कि कम पड़ता है, तो ये होना चाहिए। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम इंदौर में समाचार गृह अखबार के विमोचन अवसर पर शामिल होने के लिए आए थे। इस कार्यक्रम में सांसद शंकर लालवानी, इंदौर प्रेस क्लब अध्यक्ष अरविंद तिवारी, स्टेट प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल, वुमेन्स प्रेस क्लब की अध्यक्ष शीतल राय, पत्रकार रितु साहू समेत अन्य गणमान्य लोग शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।